हेलो गाइस, ये हमारा पार्ट थ्री वीडियो है, तीसरा वीडियो है हमारा सिंपल इंटरेस्ट पर, यानी कि साधारण ब्याज पर। ये साधारण ब्याज पर एसएससी, रेलवे, आरआरबी, एनटीपीसी, अदर्स एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इस टाइप के पूछे जाने वाले सवाल हम बताएंगे आज। तो सवाल बताने से पहले हमारा वीडियो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करना। चलिए सवाल बनाते हैं। सेकंड सवाल है हमारा, 5% वार्षिक दर से 500 रुपये का कितने वर्ष में साधारण ब्याज 150 रुपये हो जाएगा। 5% वार्षिक दर से 500 का कितने वर्ष में साधारण ब्याज 150 रुपये हो जाएगा बोला गया है। तो चलिए देखते हैं यहाँ से कितने वर्ष में, हमें समय निकालना है, समय के लिए पूछा गया है। तो समय का फार्मूला हो जाएगा ब्याज गुणित 100 बटे मूलधन गुणित समय। तो फार्मूला निकालते हैं यहाँ से, 5% वार्षिक दर से 500 रुपये का कितने वर्ष में, समय का फार्मूला निकालना है। तो समय बराबर हो जाएगा हमारे पास, समय बराबर हो जाएगा ब्याज गुणित 100, ब्याज गुणित 100 बटे दर गुणित मूलधन। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, सीधे साधारण ब्याज हमारे पास 150 है, डायरेक्ट अब यहीं से सॉल्व करते हैं। 150 गुणित 100 बटे दर कितना है हमारे पास, 5% है, 5 गुणित मूलधन हमारे पास कितना है, 500 रुपये का मूलधन है। तो यहाँ से निकालते हैं, क्या निकालते हैं, समय निकालना है हमको पूछा जा रहा है। तो 150 का यहाँ से कट जाएगा, 2 5 2 0 2 0 कट जाएगा, 5 से इसको काटेंगे, 5 3 15 30, और 5 से इसको काटेंगे, 5 6 30, तो यहाँ से हो जाएगा 6 वर्ष। शॉर्टकट देखते हैं, ऐसे शॉर्टकट कैसे बनाएंगे। अगर देखो 5% वार्षिक ब्याज की दर से 500 रुपये का कितने वर्ष में, अगर समय पूछा जा रहा है तो डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे, 150 रुपये। यहाँ से सबसे पहले साधारण ब्याज को ऊपर में लिखेंगे, और कैसे गुणा करेंगे, 100 से हमेशा गुणा करेंगे इसको। कहीं भी अगर दर पूछा जा रहा है, मूलधन पूछा जा रहा है, या समय पूछा जा रहा है, सबसे पहले साधारण ब्याज को ऊपर में लिखेंगे, उसके बाद 100 से गुणा करेंगे। अगर समय पूछा गया है तो डायरेक्ट दर कितना परसेंट हमारा, 5% है, और मूलधन जो रुपया पूछेगा उसको हम डायरेक्ट नीचे लिख देंगे, यहीं से आंसर आ जाएगा हमारा। 20 यहाँ से कट जाएगा, 5 अगर काटेंगे तो 5 3 15, यहाँ 30 हो जाएगा, तो 5 6 31, तो यहीं से हमारा 6 वर्ष निकल गया हमारा समय। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। कोई धन 3% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष में 650 रुपये हो जा रहा है, कितना हो जा रहा है, 650 हो जा रहा है, कितने वर्ष में, 10 वर्ष में। और 3% वार्षिक ब्याज साधारण ब्याज की दर से क्या निकालना है, हमें मूलधन निकालना है। कोई धन 3% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष में कितने रुपए से हो जा रहा है, 650 रुपए हो जा रहा है। तो क्या निकालना है, हमें धन ज्ञात करना है, मूलधन निकालना है। तो मूलधन का फार्मूला हो जाएगा, जस्ट अभी फर्स्ट वीडियो में देखे हैं, फार्मूला निकालते हैं, चलिए एक बार और देख लेते हैं। मूलधन पूछा जा रहा है, तो मूलधन बराबर हो जाएगा हमारा, मूलधन बराबर क्या हो जाएगा हमारा, मिश्र धन गुणित 100, अभी पढ़े जस्ट, मिश्र धन गुणित 100 बटे, नीचे में क्या पढ़े थे, सौ धन दर गुणित समय। जस्ट क्या करेंगे, इसका फार्मूला रखेंगे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मूलधन को यहाँ से मूलधन निकालना है, तो ए गुणित 100 बटे 100 धन आर गुणित टी, ऐसे भी लिख सकते हैं, मार रखते हैं यहाँ से। चलिए पी हमारे पास है, पी निकालना है, हम क्या निकालना है, मूलधन निकालना है ये वाला। तो ए क्या है हमारे पास, 650 रुपये हो जा रहा है, कितना है हमारे पास, ए मिश्र धन 650 रुपये हो जाता है। तो यहाँ लिखते हैं 650, हमेशा 100 से गुणा करते हैं, आप लोगों को पता भी होगा।
नीचे में क्या बोलेंगे, 100 रुपये यहाँ है, दर कितना दिया गया हमारे पास 10% दर दिया गया, और समय यहाँ 3% दिया गया, समय 10 वर्ष दिया गया है, तो यहाँ से प्लस कर लेते हैं, ये 10 हो गया, ये हो गया 3, तो पी हमें मूलधन निकालना है, तो क्या हो जाएगा 650 गुणित 100 बटे, ये 100 का 100 इधर हो गया, 10 3 30 मतलब 130, 650 गुणित 100 बटे 130 यहीं से काट देते हैं, 10 10 कट गया, 13 5 65, 100 5 5, हमारे पास मूलधन कितना आ जाएगा 500 रुपये। क्या ज्ञात करना था हमें, वह धनराशि निकालना था, धनराशि निकल गया हमारे पास मूलधन, बस कुछ नहीं करना, फार्मूला रखना है मूलधन का, फार्मूला अब पता होगा तो देखिए दोस्तों। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास इस मूलधन पर आधारित सवाल देखते हैं। ये हमारा तीसरा एग्जाम्पल है, वह धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष अपने में 3/2 गुना हो जा रहा था, ये गुना पर आधारित सवाल है। ब्याज की दर निकालना है हमें, क्या निकालना है, ब्याज की दर निकालना है, वह धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जा रहा है, बस कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हम बेसिक बना लेते हैं, उसके बाद शॉर्टकट ट्रिक देखेंगे इसका। तो क्या पूछा जा रहा है हमारे, गुना पर आधारित प्रश्न, अगर हमेशा गुना पर आधारित प्रश्न पूछा जाए तो यहाँ हम शॉर्टकट ट्रिक बताएंगे, पहले हम समझा दे रहे हैं, अगर ब्याज की दर पूछा जाए तो फार्मूला है, ब्याज की दर हो जाएगा हमारे पास ए मूलधन, बी साधारण ब्याज गुणित 100 बटे क्या हो जाएगा, बी गुणित समय। क्या पूछा है हमारा, ब्याज की दर निकाले गुणी पर आधारित, ए हमारे पास कितना आ जाएगा, ए बराबर हमें 3 मान लेते हैं और बी बराबर हम 2 मान लेते हैं, ये वाला गुना पर आधारित, और हमारे 5 वर्ष के लिए दिया गया है, 5 वर्ष निकालना है, मान रखते हैं फार्मूला में, ए का कितना है, ए का मान है हमारे पास 3 और बी का मान है 2 गुणित 100 बटे, बी का मान कितना है 2 गुणित समय हमारे पास कितना है 5 वर्ष, तो इसमें घटाए 1 गुणित 100 बटे 5 × 10, 10 × 10 = 100, तो यहाँ पर 10 वर्ष है, आगे आंसर हमारा 10 वर्ष। ब्याज की दर निकालना, शॉर्ट ट्रिक देखते हैं, शॉर्टकट देखते हैं क्या, अगर गुना पर आधारित पूछा जाए, किसका, अपने का गुना, अपने का गुना पूछा जाए, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट 3 को ऊपर ही रखना है, जैसे 3 और 2 है इसमें घटा देना है, डायरेक्ट कुछ नहीं करना है, माइनस ऐसे रखना है, 100 रखना है, और क्या बोल रहा है, हमेशा पूछा गया 5 वर्ष, हमेशा इसको नीचे में लेना है, और ये वाला नीचे का 2 ऐसे लिखना है, इसको नीचे में लिख देना है, इसको नीचे में लिख देना है, और ऊपर में इन दोनों को घटा देना है, आ जाएगा आंसर, 3 में 2 घटाएंगे तो 1, 100 का 100 और 5 × 10, 10 से कम 10 × 100, 10 वर्ष। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, गुणा पर ही आधारित है ये, साधारण ब्याज पर वार्षिक दर से उधार दिया गया है 3 वर्ष के लिए, अपने का 5/4 गुना हो जाता है, वार्षिक दर निकालना है, यहीं पर फिर दर निकालना, शॉर्टकट ट्रिक देखते हैं इसको डायरेक्ट क्या करेंगे, जहां अपने का गुना पर पूछेगा, अपने का 5/4 गुना या गुनी पर आधारित हो, तो डायरेक्ट ऐसी चीज लिखेंगे, डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक मारते हैं हम यहाँ, डायरेक्ट 5 - 4 गुणित 100 बटे, नीचे में 4 है, यहाँ 3 है, बस कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट हम गुनी पर आधारित, जैसे कि
फर्स्ट वीडियो ये वाला पार्ट में देखें, वैसे कि हम यहाँ बनाते हैं डायरेक्ट शॉर्टकट टिक करते हैं। माना देखो 5 में 4 कर 1, 100 का 100, 4 3 12 क्या हो जाएगा, 100 का 100 है। यहाँ से इसको घटाएंगे, 5 में 4 गया, घटा दे उसको। काट देते हैं इसको 4 से काट देंगे, 4 3 12 है 25, 25 चौक 100 तो आ जाएगा 25/3। ये हमारा ऐसे अंदर निकल जाएगा। या और ऐसे शॉर्टकट और मार सकते हैं इसको, शॉर्टकट ट्रिक से डायरेक्ट 5 में 4 घटाएंगे, 1 यहीं से आ जाएगा 100। हम तो गुना करते अच्छी हैं, आप लोग को पता अच्छा है, 3 अब इधर के 3, 3 × 4 4 3 12 100/12, 4 से काट दो 4 3 12 25 चौक 100 यहाँ से आएगा 25/3। ये हमारा आंसर निकल गया, परसेंट में दर निकालना था। थोड़ा कैमरा हिल रहा है, इसके लिए मैं थोड़ा माफ़ी चाहता हूँ। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।